बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डीपीएस की तरफ से सलाम हो आप सब पर। ज़िंदगी जिए और जीने दें अल्लाह ताला हम सब पर फजल करम रहमत नाज़िल फरमाए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। दोस्तों क्या हाल चाल है, ठीक खैरियत से हैं? आज मैं सुबह से काम था, उधर निकल गया था सुबह अर्ली मॉर्निंग 5:30-6 बजे ग्राउंड बोर्ड। तो ये आज बच्चों ने खोले हैं, ये महीम वगैरह ने मुर्गे। तो नुमान भाई की भी जॉब निकली हुई थी, वो उधर चले गए हैं, वो भी सुबह सुबह निकल गए थे। तो अभी शाम हो गया तकरीबन, मगरब का टाइम 6:30 से अब हो गया, मगरब का टाइम हो गया। तो अभी आके इनको मैंने देखा है कि क्या हिसाब है, तो पानी वगैरह डाला है इनको, पिजन को बाहर निकाला था। तो माही बता रहा था कि सुबह सारा काम कर लिया था, दाना वगैरह डाल दिया था, बता के बच्चों को भी सारा कुछ कर दिया था। वो तो बड़े सेट हो गया, थोड़े सा हेल्दी हो गया, ग्रोथ भी कर रहे हैं ये थोड़ी सी, ये देखो माशाल्लाह ये अब बड़े हो रहे हैं, ग्रोथ सही कर रहे हैं माशाल्लाह। तो दोस्तों ये देखें चावल की फसल, धान जिसको बोला जाता है, वो काश हो रही है। ये खेतों में काम हो रहा है और ये सामने खेत है, इसमें भी ये फसल लग रही है। सबसे पहले इसकी पनीरी तैयार की जाती है, वो ये लगाई हुई थी सामने अपने वाले खेत में, सामने ये अब वो फसल लग रही है। शाम का मंजर बड़ा खूबसूरत है, ये खेतों का व्यू है। दोस्तों ये देखें, ये धान की फसल लग रही है, चावल की फसल जिसे कहते हैं और मुंजी कहते हैं इसे। ये देखें ये सारे लग गए, बाकी ये सारी फसलें इधर तैयार हो गई हैं तकरीबन सब को, ये जितने भी थे इधर खेतें जितनी भी हैं सब में ये सारा बिजाई हो गई है। बाकी आपको फिर सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, दिन को मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि मौसम थोड़ा हबसा हो गया है। हबसा इसलिए हुआ कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, ये देखिए खेतों में पानी भी खड़ा है काफ़ी ज़्यादा, तो धूप बहुत ज़्यादा थी तो पानी फिर हवा छोड़ता है इसकी वजह से। बारिश भी बता दें अगले 2-4 दिन बारिश होगी, लेकिन इस टाइम तो फुल गर्मी हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।